बड़ा राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निशाने पर हैं। नीट पेपर लीक में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु को राजद नेता तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले की खबर आने के बाद से राजद एनडीए सरकार पर हमलावर थी। हालांकि अब इस पेपर लीक कांड की तार तेजस्वी यादव तक भी पहुंचने लगी है। पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादव तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम का करीबी है। इसने आरोपी और पुलिस के गिरफ्त में आए सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाया था। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के पीए 2022 में बने। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वो भागलपुर में पीडीओ के पद पर थे। इसके साथ ही वो जल संसाधन और अर्बन डेवलपमेंट विभाग में भी सेवा दे चुके हैं। अब उन्हें तेजस्वी यादव के खास लोगों में गिना जाता है। हालांकि इस आरोप का राजद के द्वारा खंडन किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ही नहीं, गुजरात, हरियाणा, हर जगह पेपर लीक हुआ है। सरकार एनडीए की है, अगर मेरे किसी सचिव ने कुछ किया है तो बुलाकर पूछताछ कर ले। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे जिधर की बात करें 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यू? मामले में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सवालों का जवाब बीजेपी राजद से मांग रही है। मनोज झा के सवालों का जवाब देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि मनोज झा विद्वान लोग हैं, लेकिन पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं। सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद की गोद में बैठकर वह ग्रहण किए हैं, उससे मुक्त हो जाए। मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद के गोद में बैठकर वो ग्रहण किए हैं, उससे मुक्त हो जाए। बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग न समाज के हितैषी हैं, न राष्ट्र के हितैषी हैं। सच को स्वीकारने की ताकत रखें। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीए पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस के मामले को लेकर मैंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। 1 मई को तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव के मोबाइल से रात 9:07 को NHAI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर कॉल कर कमरा बुक कराने कहा। उस दिन प्रदीप कुमार ने संज्ञान नहीं किया तो 4 को फिर मोबाइल से बुकिंग के लिए कहा गया। 4 मई को प्रीतम यादव ने 3 बार कॉल किया। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट।